हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। यहाँ आज हम ये देखने वाले हैं कि वीक आप लोगों के लिए क्या लेके आया है। तो इसको लेकर आपके पास यहाँ दो चॉइसेस हैं, आप इनमें से एक चुन लीजिए, फिर उसके बाद रीडिंग करते हैं आप लोगों के लिए। देखते हैं कि इस वीक को लेकर आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। फर्स्ट जिन्होंने ये चूज़ किया है उनके लिए कार्ड शफल करते हैं और देखते हैं कि ये वीक उनके लिए क्या लेकर आया है या इस वीक में क्या कुछ होने वाला है। जिन्होंने ये चूज किया था उन लोगों के लिए रीडिंग होगी। ये कार्ड्स आए हैं आप लोगों के लिए इस वीक को लेकर। तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन और देखते हैं कि वीक आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है या क्या कुछ लेके आया है और क्या सजेस्टेड होगा इस रीडिंग में। तो हमें यहाँ बहुत कुछ देखने को मिल रहा है इस वीक के पहले तक। ऐसा लग रहा है कि इस वीक के पहले स्टार्टिंग में आपने कोई अभी अभी टावर मूवमेंट फेस किया है अपनी लाइफ में, तभी ये कार्ड आया है द टावर। तो में भी हो सकता है फैमिली में कुछ इश्यू हो गया या आर्ग्यूमेंट हो गया आपके किसी के साथ या फैमिली में या कलीग्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, आपके में भी रिलेशनशिप में कोई टावर मूवमेंट अभी आया है रिसेंटली। एज ऑफ सॉर्ट्स इसी वजह से आप काफी अभी इस तरह के हो रखे हैं कि प्रोटेक्टिवनेस और आप में काफी अभी आप काफी करेजियस और इस तरह के हुए हैं कि अपने अपने आप को कह सकते हैं कि एनर्जी से भरा हुआ अब महसूस करेंगे। उस चीज से आप अभी निकलने के लिए इस वीक में स्टार्टिंग में आप काफी कोशिश करने वाले हैं और वर्क एरिया में तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहने वाला है, काफी एनर्जी के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। और इस टावर मूवमेंट की इस अभी जो स्टार्टिंग जैसा दिख ही रहा है कि टावर कार्ड आया है, तो कुछ आर्ग्यूमेंट या कुछ कॉन्फ्लिक्ट आपने अभी अभी फेस किया है उससे आप दूर होने के लिए अपनी विल पावर के साथ आगे बढ़ने वाले हैं इस वीक में। और वहीं ये कार्ड बता रहा है कि थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जो है वो रिवॉर्ड कार्ड माना जाता है। तो आपने जिस भी वर्क के लिए बहुत हार्ड वर्क किया है इससे पहले, इस वीक से पहले, आपने जिस भी काम को लेकर आपने काफी काम किया है किसी भी चीज को लेकर, चाहे वो आपका वर्क एरिया हो, घर हो, या किसी बड़े काम के लिए आप काफी मेहनत कर रहे थे, उसमें आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस हैं। इस वीक में आपको अच्छे रिजल्ट सुनने को मिलेंगे और कुछ अच्छा फाइनेंशियल गेन भी होगा। डिवाइन लाइट देख रहे हैं आप, ब्लेस भी रहेंगे और काफी कनेक्टेड भी रहेंगे स्पिरिचुअली भी। और अगर रिलीजियस हैं तो आपका कनेक्शन काफी स्ट्रांग होने वाला है, स्पिरिचुअल कनेक्शन आप काफी स्ट्रांगली फील करेंगे और रिवॉर्ड भी आपको मिलेगा, कुछ अच्छा रिजल्ट आप सुनने को मिल सकता है। मे बी ये जॉब से रिलेटेड हो या किसी बड़े काम से रिलेटेड, अब अगर आप कुछ वेट कर रहे थे किसी रिजल्ट के आने का, तो वो आपके फेवर में आने के काफी चांसेस हैं और काफी खुश रहेंगे इसी वजह से आप। वहीं आप देख रहे हैं सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड आया है आप लोगों के लिए। तो ये है कि आप अपने किसी पुराने रिश्तेदार से मिल सकते हैं या वो आपसे मिलने आए, आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं या रिलेटिव हो सकते हैं, आपका आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, मतलब एक्स भी हो सकते हैं जिनसे आपकी अचानक मुलाकात हो, या आप लोगों का पहले ऐसा किस कोई नेबर भी हो सकते हैं जिनके साथ आपका पहले कहीं कोई कनेक्शन रहा हो और वो आपसे मिलने आए, या आप उनसे मिलें, या कहीं आपका जाना हो ऐसा जहां आप लोग फिर से मिले और पुरानी बातें आप याद करने वाले हैं और काफी अच्छी मेमोरीज को आप इस वीक में करने वाले हैं उनसे, इस तरह की बातें कि पुरानी बातें आप याद करके काफी खुश होने वाले हैं। और ये बातें किसी से भी हो सकती है, आपके रिलेटिव, फैमिली मेंबर या परिवार में पार्टनर के साथ पुरानी कुछ बातें याद आएगी आपको इस वीक में। और हो सकता है ऐसे किसी प्लेस पे भी जाएं आप लोग। और वहीं किंग ऑफ वांड्स का कार्ड आया है, तो ये कार्ड ये बताता है कि आप लोग जो है वो काफी अच्छा फाइनेंशियल गेन करेंगे इस वीक में और कुछ अच्छा अच्छा भाग्य भी रहेगा आप लोगों का, मतलब काफी फेवर करने वाला है आपको और कॉन्फिडेंस के साथ इस वीक में आप रहने वाले हैं। चाहे आपका वर्क एरिया हो, परिवार हो, आपको काफी वैल्यू दी जाएगी इस वीक में और
काफी शांत रहने वाले हैं, स्टेबल रहने वाले हैं, इमोशनली स्ट्रांग फील करेंगे इस वीक में, जो आप स्टार्टिंग में नहीं कर रहे थे या इस वीक से पहले इतना नहीं हो पा रहा था आपका इमोशनल बैलेंस, अगर तो अब आप काफी इमोशनली स्टेबल फील करेंगे और अपने वर्क एरिया में भी अच्छा परफॉर्म करेंगे और घर परिवार में भी काफी अच्छा माहौल रहने वाला है, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपको मिलने वाली है और इसी वजह से आप काफी खुश रहेंगे, स्टेबल रहेंगे और जहाँ परिवार के साथ आपका रिश्ता बहुत अच्छा जाने वाला है, लग्जरी लाइफस्टाइल एंजॉय करने वाले हैं और लक भी आपको कुछ चीजों में बहुत फेवर करने वाला है इस वीक में, तो कुछ नए बड़े काम अगर करना चाहते हैं तो इस वीक में कर सकते हैं और यहाँ कुछ अच्छी यादें आपको आएगी और हो सकता है आप किसी ऐसे प्लेस पे जाएं जो आपको पुरानी यादें ताजा करेंगे वहाँ अपने रिश्तेदार फैमिली पर्सन या किसी के साथ, और ये वीक काफी अच्छा रहने वाला है आपका। बस यहाँ यह है कि शुरुआत में आपने कुछ शायद मोमेंट फेस किए हैं, किसी के साथ कोई आर्ग्यूमेंट हुआ है, तो उस वीक के मिड तक आप उन चीजों से निकल जाएंगे और काफी रिलैक्स फील करने वाले हैं, इस एनर्जी में रहने वाले हैं और कुछ अच्छे अचीवमेंट या कोई काम आपका जो है वो बनने वाला है इस वीक में। तो आप लोगों के लिए यही रीडिंग थी, जिन्होंने ये चूज किया था उन लोगों के लिए ये वीक काफी अच्छा पॉजिटिव आउटकम लेके आया है। नेक्स्ट पाइल वालों के लिए हम ये देखते हैं कि उन लोगों के लिए ये वीक क्या लेके आया है या इस वीक को लेकर उन लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट पाइल वालों के लिए देखते हैं कि उन लोगों के लिए इस वीक में क्या मैसेजेस हैं और ये वीक उन लोगों के लिए कैसे रहने वाला है। कार्ड शफल करके देख रही हूँ, आप चाहें तो कार्ड की शफलिंग को अवॉइड कर सकते हैं और डायरेक्ट टाइम स्पेंस पे जाके रीडिंग को देख सकते हैं। Princess of Pentacles, King of Swords, Ten of Cups, Queen of Wands आपके लिए भी है, Ace of Swords, एक कार्ड और ले लेते हैं क्योंकि Five of Wands। तो आप लोगों के लिए यहाँ काफी कुछ मैसेजेस आए हैं, वन बाय वन स्टार्ट करते हैं, जिन्होंने ये चूज किया था उन लोगों के लिए रीडिंग होगी। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वीन ऑफ वांड्स से। इस वीक से पहले तक आपने काफी कंपटीशन फेस किया है और ये कंपटीशन आपके वर्क एरिया से रिलेटेड ज्यादा लग रहा है, क्योंकि यहाँ फाइव ऑफ वांड्स की एनर्जी आई है। आपने काफी स्ट्रगल फेस किया है अपने वर्क एरिया में, मे बी किसी काम को लेकर आप काफी हिम्मत के साथ आगे बढ़े हैं और उसमें आपने जीत भी हासिल की है। इस वीक में आप काफी स्टेबल हो जाएंगे इमोशनली, फाइनेंशियली और मेंटली भी काफी स्ट्रांग फील करने वाले हैं और आप अपना कोई बड़ा काम निपटाने वाले हैं, इसीलिए रहेंगे किंग ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी में। अब इस वीक में आप किसी की कह सकते हैं कि आपने अपनी हिम्मत और मेहनत से जो काम किया है उसकी वजह से अब इस वीक में आप लोगों की ज्यादा नहीं सुनने वाले हैं। जो अगर आपको कहेंगे कि कुछ अगर आपसे आर्गुमेंट वगैरह ऐसा कुछ करेंगे तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर उनको साफ साफ बात बताने वाले हैं और किसी की इस बात एक होता है आप कुछ काम कर लेते हैं उसमें 100% दे देते हैं उसके बाद आप किसी की नहीं सुनते, वैसा कुछ आप इस बार करने वाले हैं। आप किंग ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी में रहेंगे, काफी फैक्ट के साथ अपनी बातें रखेंगे या काफी साफ साफ अपनी बातें बताने वाले हैं, विचार रखने वाले हैं और क्योंकि आपने काफी कुछ काम किया है और काफी कुछ फेस भी किया है तो इस वीक में आप लोगों की सुनने नहीं वाले हैं। अगर किसी ने आपके साथ आर्ग्यूमेंट किया या इस तरह के कोई कन्वर्सेशन हुए जो थोड़े आपको रफ लगे तो आप लोगों को काफी लेसन्स भी देने वाले हैं और इसी तरह के रहने वाले हैं इस वीक में आप। तो यही प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी भी आई है आपको, आपके लिए तो कुछ अच्छे फाइनेंशियल गेन होंगे और कुछ फ्रेंड्स के साथ आप अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं और वो आपको काफी लाइट हार्टेड रखेगा और फाइनेंशियल गेन भी होगा आपको। अच्छे कुछ क्रिएटिव आइडियाज भी आएंगे जो इस फील्ड से रिलेटेड हैं, ऐसे क्रिएटिविटी में इन्वॉल्व हैं
उनको और काफी लाइट रहेंगे और अभी मेंटली आप काफी रिलैक्स फील करेंगे इस वीक के मिड तक, क्योंकि स्टार्टिंग में तो आपने काफी कुछ फेस किया है और वीक के स्टार्टिंग में काफी कुछ फेस करने के बाद आप इस तरह की एनर्जी में रहेंगे और मिड तक और वीक के एंड तक आप 10 of cups एनर्जी में रहेंगे, काफी हैप्पी रहेंगे। फैमिली के साथ आपका बैलेंस काफी अच्छा रहने वाला है, सबके साथ रिश्ते नाते बहुत अच्छे चलेंगे, चाहे परिवार हो या आपका आपके पार्टनर हो या आपके फ्रेंड्स हों, सभी के साथ आप काफी अच्छा रहने वाले हैं, काफी फाइनेंशियल गेन भी कर लेंगे और वहीं आपका मूड काफी अच्छा रहेगा। 10 of cups कंप्लीशन की एनर्जी मानी जाती है, तो आप अपने वर्क एरिया में भी काफी अच्छा करने वाले हैं और फैमिली में भी काफी आप अच्छा कह सकते हैं कि टाइम बिताने वाले हैं और इमोशनली मेंटली और सोलफुल लेवल पे आप काफी अच्छा और स्ट्रांग फील करने वाले हैं। 10 की एनर्जी इसी तरह की है, बस ये हो सकता है कि आप इस वीक में किसी की सुनेंगे नहीं, कोई अगर आपको थोड़ा आर्ग्यूमेंट या इस तरह की कुछ अगर बातें होती है तो आप उनको साफ साफ बताने वाले हैं कि आपको वो चीजें पसंद नहीं आ रही है और इसी तरह से आप अपनी बातें साफ तरीके से रखने वाले हैं लोगों के सामने। बाकी यहाँ कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं आई है, बस ये है कि आप कॉम्पिटिशन के बाद कुछ अच्छा अचीव करने वाले हैं, तो आप लोगों के लिए यहाँ अगर कुछ सजेस्टेड होगा तो यही है कि आपने जो अपनी मेहनत और हिम्मत से जो जीत हासिल की है उसके बाद आप काफी थोड़ा सा पेशेंस अगर आपको हो सकता है यहाँ सजेस्टेड हो, क्योंकि आपको ये अगर फाइनेंशियल गेन और लाइट हार्टेड एनर्जी में रखना है तो अपने थोड़े गुस्से पे आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा यहाँ, क्योंकि उस चीज से आपको और ज्यादा अच्छा फाइनेंशियल गेन होगा और आप अपनी लाइफ में और भी ज्यादा आगे बढ़ सकेंगे और अपने सारे मोटिव्स को पूरा कर सकेंगे और जितने भी आपके लाइफ पर्पस हैं आप उनको और अच्छे से अचीव कर सकेंगे। तो अपने थोड़े से गुस्से को आप कंट्रोल करते हैं तो ये वीक और भी अच्छा हो सकता है आप लोगों के लिए। तो आप लोगों के लिए यही रीडिंग थी जिन्होंने ये चूज किया था। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।